हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन दम बिरयानी, वो भी प्रेशर कुकर में। तो देखिए, उसके लिए जो मैंने सामान ली हूँ वो कुछ इस तरह है। हाफ के जी चिकन, इसको मैंने वॉश करके रख ली हूँ। ये है 200 ग्राम कर्ड खट्टा दही, और ये 200 ग्राम से थोड़ी सी ज़्यादा है मेरी अनियन प्याज, इसको भी मैंने चॉप कर ली हूँ, पतला पतला काट लूँ। और ये है मेरा पुदीना, धनिया पत्ती, हरी मिर्च, और ये गार्निशिंग के लिए एक अनियन मैंने बचा दी थी फाइनल टच के लिए। और ये है मेरे खड़े सूखे मसाले, जिसके लिए मैंने ली 6 छोटी इलायची, जायफल का थोड़ा सा बीज, और कलमी, जीरा, जावित्री, लौंग, साजीरा, काली मिर्च। ये देखिए कुछ इस तरह मैं सामान ली हूँ। इसी में से मैं खड़ा मसाला जो कच्चा डालेंगे हम बिना मिसा हुआ, वो भी निकाल लूँगा। चलिए तो हम अपनी बिरयानी की रेसिपी मैंने ले ली हूँ कुकर, और इसमें आपको सूखी लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर जो डालना है अपने हिसाब से डाल सकते हैं, और अदरक लहसुन पेस्ट तो मैंने पीस के रखी हूँ, मैं वो अभी आपको बताती हूँ कितना डालने वाली हूँ। बड़ी इलायची नहीं लेना हमको, ये जो खड़े मसाले हमने जो लिए है, यानी बड़ी जो काली इलायची बोलते वो नहीं लेना है। ये देखिए मैंने अपना चिकन डाल दी हूँ प्रेशर कुकर में। अब हम डालेंगे इसमें छोटी इलायची, हरी इलायची, थोड़ी सी काली मिरी, और अब हम डाल देंगे इसमें लौंग, कलमी। ये देखिए ये सूखे मसाले मैंने ऐड कर दी हूँ। अब ये बाकी का जो हमारा मसाला है इसको हम मिक्सर में ग्राइंड कर लेते हैं। चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। इसमें डाल लेती हूँ थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, और ये मेरा होममेड बिरयानी मसाला देखिए रेडी हो गया है। पीस ली मैंने इसको मिक्सी में। बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, और होममेड धनिया पाउडर, वो भी थोड़ा सा ही डालना है, जिसको यानी तीखी पसंद है, या जिसको मतलब फीकी पसंद है, थोड़ा तीखा कम पसंद है, अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए तो ये मेरा बिरयानी मसाला होममेड पिसा हुआ, ये भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ये देखिए, और इसको हाथों से ही मिलाना है, तो आपको लगेगा जितने अच्छे से मतलब हाथों से बिरयानी में हम इसका जो मैरिनेशन करेंगे उतना ही बिरयानी में टेस्ट आएगा। ये देखिए कुछ इस टाइप, ये देखिए अब यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ अपना कर्ड दही। ये देखिए ये मैंने पूरा अपना कर्ड डाल दी जो एक कटोरी ली थी। चलिए अब इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं, मैरिनेट करते हैं। ये देखिए मैंने इसको दही मिला ली हूँ, इसमें बाकी के मसाले भी ऐड कर देती हूँ। ये देखिए अब मैं इसमें डाल देती हूँ धनिया पत्ती सांभर जो मैंने चॉप करके रखी थी, और ये हरी मिर्च, इतनी हरी मिर्च बचा देती हूँ मैं। ये देखिए मैं अपने प्याज डाल दी इसमें मैंने, और हाथों से इसको जो था पूरी तरह से इसके जो ये रहते हैं पूरा दबा के मतलब इसको, ये देखिए ऐसे लच्छे टाइप हाथों से ही इसे निकाल ली मैंने। अब इसको मिला लूँगी मैं। ये देखिए अब डालते हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये वाला केवड़ा, देखिए ये देखिए बिरयानी एसेंस, ये वाला केवड़ा मैं यूज़ करती हूँ बिरयानी में।
ये इतना सही डालना है हमको, इसमें ज़्यादा नहीं डालना है नहीं तो बहुत हार्ड पड़ता है ये स्मेल, मतलब इसे। अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है तो ये हमको फ्रेश ही डालना है बिरयानी में कभी भी, यानी अदरक लहसुन का पेस्ट फ्रेश यूज़ करेंगे उतना ही बिरयानी का टेस्ट अच्छा आएगा, ज़्यादा अच्छा आएगा। ये देखिए 3, और ये छोटे चम्मच से 4 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट अपने इसमें ऐड कर दी हूँ। चलिए अब इसको अच्छी तरह मैं मैरिनेट कर लेती हूँ हाथों से ही, और अब मैं डाल देती हूँ इसमें सॉल्ट। इसके मतलब चिकन के हिसाब से यहाँ पर सॉल्ट डालना है हमको, बाकी हम जो राइस लेंगे तो उसमें हम अलग डालेंगे सॉल्ट उसके हिसाब से। ये देखिए हो गया सॉल्ट ऐड। ये देखिए ये सब कुछ मसाले डाल के मैं अभी इसको अच्छी तरह से, और आप लोग ये सोचेंगे बट इसको जितना अच्छे से हाथों से आप चिकन को और ये बिरयानी का जो ये है मैरिनेशन जितना अच्छा हाथों से करोगे उतना ही मतलब चिकन में पूरे मसाले इसके फ्लेवर सब एब्जॉर्ब्स कर लेता है। ये देखिए इस तरीके से इसको पूरा मिला लेना है, और मिला के आपके ऊपर है आप आधा घंटा रखना चाहते हो, 1 घंटा रखना चाहते हो, या आपको सुबह ये शाम में बनाना है रात में बनाना है तो सुबह आप मैरिनेट करके भी इसका ये इस तरीके से ऐसा मैरिनेशन बना के आप रख सकते हो, और अच्छा टेस्ट मतलब बिरयानी में उतर के आएगा। ये देखिए ये मेरा रेडी हो गया इसका बिरयानी का मैरिनेशन। ये देखिए मेरा मैरिनेशन पूरा कंप्लीट हो गया है बिरयानी का, और ऑयल जो है इसको हम 20-25 मिनट या आधा घंटा ऐसे ही रखने के बाद हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। मैंने यहाँ ऑयल ऐड नहीं की हूँ, तो चलिए अब हम इसको ढक्कन लगा के रख देते हैं। ये देखिए मेरा मैरिनेशन बिरयानी का कुछ इस तरह दिख रहा है। देखिए, और अगर हमारा हाफ के जी चिकन है तो हमको हाफ के जी ही राइस लेना है, 1 kg चिकन है तो 1 kg राइस लेना है, ठीक है। ये देखिए मेरा मैरिनेशन पूरा कंप्लीट हो गया है बिरयानी का, और ऑयल जो है इसको हम 20-25 मिनट या आधा घंटा ऐसे ही रखने के बाद हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। मैंने यहाँ ऑयल ऐड नहीं की हूँ, तो चलिए अब हम इसको ढक्कन लगा के रख देते हैं। ये देखिए मेरा मैरिनेशन बिरयानी का कुछ इस तरह दिख रहा है। देखिए, और अगर हमारा हाफ के जी चिकन है तो हमको हाफ के जी ही राइस लेना है, 1 kg चिकन है तो 1 kg राइस लेना है, ठीक है। ये तो अब मैं इसमें ऑयल ऐड कर देती हूँ। ये देखिए ये डोंगे से डाल रही हूँ मैं, बिरयानी में तेल आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपको ज़्यादा खाना है तो ज़्यादा, कम खाना है तो कम। ये देखिए मैंने गिन के 8 या 7 डोंगे डाल दी हूँ, मैं डालते डालते मैं खुद भूल गई हूँ। चलिए ये देखिए मैंने ऑयल ऐड कर दी इसमें। ये देखिए इस तरह से अब हम इसको चम्मच से मिला लेते हैं एक बार। ये देखिए ऑयल ऐड करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है मेरा बिरयानी का मैरिनेशन। अब हम इसमें राइस ऐड करते हैं। चलिए ये देखिए, चलिए अब हम इस मैरिनेशन में अपना राइस ऐड करते हैं। राइस को 10-15 मिनट पहले पहले सोक कर लेना है, मतलब पानी डाल के भिगा के हमको रख देना है। फिर मैंने वॉश कर ली हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से ऐसे चावल को हमको बिछा लेना है कुकर में। ये देखिए इस तरीके से चावल को बिछा लेना है हमको मैरिनेशन के ऊपर। इसमें कुछ भी पका नहीं है, सब कुछ मैंने कच्चा ही ऐड कर दिया। देखिए चावल को भी मैंने बॉईल नहीं की हूँ, पूरा वॉश करके 10-15 मिनट सोक करके फिर इसको वॉश करके राइस भी मैंने कच्चा ही ली हूँ। अब इसमें हम पानी ऐड करते हैं। ये देखिए पानी ज़्यादा नहीं डालना है, ये मैंने डाली हूँ बस। ये हमारा 1 इंच के ऐसा ये उंगली से मेजरमेंट ले लीजिए, इसके ऊपर जो जा रही है उंगली बस इतना ही पानी ही इसमें लेना है, क्योंकि मसालों का चिकन का पानी इसमें ऑलरेडी छूटेगा तो ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। तो चलिए मैं इसमें नमक मिलाती हूँ।
नमक आप अपने जो मतलब पेस्ट बना रहे हो, जो भी यानी आप इससे बना रहे हो उसके हिसाब से कम ज़्यादा क्वांटिटी जो बना रहे हो मतलब उसके हिसाब से आप नमक कम ज़्यादा कर सकते हो। और इस तरीके से नमक को हम इसमें राइस में मिला देंगे। और अब मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ मिल्क, ये देखिए बॉयल मिल्क। और अब मैं ऐड कर देती हूँ इसमें घी, ऊपर से डालना है हमको वनस्पति घी डालना है, ये देखिए बस। आप जितना खाते हैं फिर आप डाल सकते हो, बट मैंने अपनी जितना हम खाते हैं उसके हिसाब से ही डाली हूँ, सब कुछ ली हूँ। देखिए कच्ची यखनी, कच्चे चावल की बिरयानी मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर में। चलिए फिर मिलते हैं। ये देखिए अभी हम इसको कुकर को गैस पे चढ़ा देते हैं। ये फुल आँच पे रखना है पहले एक सीटी आने के लिए। जैसे ही एक सीटी आ जाएंगी तो हम अपने गैस की आँच को मीडियम से भी थोड़ी कम 15 मिनट तक के रख देंगे इसको, यानी होने देंगे। अभी ये तेज आंच पे पक रहा है। चलिए ये देखिए मेरी बिरयानी बन के हो गई है रेडी। चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं, सर्व करते हैं डिश आउट, फिर बताती हूँ आपको। ये देखिए मेरी इजी एंड सिंपल दम बिरयानी रेडी है। आप लोग भी इसी तरह ऐसे ही ट्राई कीजिए और बताइए कमेंट करके कैसी लगी मेरी इजी एंड कच्ची टेस्टी दम बिरयानी। देखिए देखने में जितनी खूबसूरत दिख रही है खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। चलिए फिर अगर आपको मेरी ये रेसिपी इजी प्रेशर कुकर बिरयानी रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल का नाम है इंडियन ब्लॉगर यूट्यूबर मंतज शाह अहमद। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी लेकर। चलिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।